पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से आज करनाल में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसमें पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए हुड्डा ने ऐलान किया कि कार्यक्रम का अगला पड़ाव जींद होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए 2 साल का समय दिया था, लेकिन अब तक के पूरे कार्यकाल में सत्ताधारी दलों की तरफ से न अपने मैनिफेस्टो और न ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू किया गया। ऐसे में महज मौका परस्ती और स्वार्थ पूर्ति के लिए बनी सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता, इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने फैसला लिया है कि अब वह हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में जाएगा और सीधा लोगों से संवाद स्थापित करेगा। कार्यक्रम में 4 दर्जन से ज्यादा विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे किसान, मजदूर, आढ़ती कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर्स व अलग अलग तबके के लोगों ने विपक्ष के सामने अपनी समस्याएं रखी। इन्हें सुनने के बाद हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का कोई भी तबका गठबंधन सरकार से खुश नहीं है। आज किसान सरकारी डंडों से सड़क पर पिट रहे हैं और उसकी फसल मंडी में पिट रही है। उन्होंने खुद प्रदेश की मंडियों में देखा कि बार बार तारीखों में बदलाव करने के बावजूद अब तक धान की सुचारू खरीद शुरू नहीं हुई है। किसान अपनी धान सड़कों पर रखने के लिए मजबूर है। न मंडी से फसल का उठान हो रहा है, न किसानों को MSP मिल रही है और न ही पेमेंट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग और 25 क्विंटल प्रति एकड़ जैसी फालतू की शर्तें थोपी जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को परेशान करने वाली ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी। भविष्य में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी तो किसानों को इन तमाम झंझटों से छुटकारा दिलाया जाएगा। हर एक किसान के दाने दाने की खरीद व हाथों हाथ पेमेंट की व्यवस्था अपनाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोगों को खराब सड़कें, प्रदूषित पानी, पावर कट, पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार समेत तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसे देखकर लगता है कि गठबंधन सरकार ने आम जनता से बिल्कुल मुंह फेर लिया है। तमाम समस्याओं का जिक्र करते हुए हुड्डा ने भरोसा दिलाया है कि विपक्ष इन तमाम समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगा। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को MSP, आढ़तियों की आदत, मजदूरों को मेहनताना और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। बीजेपी सरकार बनने से पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन और विकास में पहले पायदान पर था, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध, घोटाले और अव्यवस्था में नंबर 1 बना दिया है। सरकार की कुनीतियों और घोटालों की वजह से प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। आज हरियाणा पर 2.5 लाख करोड़ तक का कर्ज हो चुका है। सरकारी भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक और भर्ती घोटाले इस सरकार की पहचान बन चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा डंडा उठाने वाले बयान पर भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तरह के बयानों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, इसलिए जो लोग डंडे की चोट मारने की बात करते हैं उन्हें जनता वोट की चोट से जवाब देगी। डंडे की चोट तो 2-4 दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन वोट की चोट का असर पूरे 5 साल रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अनुमान से कई गुना ज्यादा लोग अपनी समस्याएं लेकर विपक्ष के समक्ष पहुंचे। इसके बाद इस बात की और जरूरत महसूस हो रही है कि हर क्षेत्र में जाकर जमीनी और स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की जाए ताकि उन्हें पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। हल्ला बोल हरियाणा।